इस समय आश्रम की जमीन पर गेहूं लगा हुआ है। ये छोटी भूमि का हिस्सा है, अभी इसमें गेहूं लगा हुआ है। यहाँ पीछे दूर पहाड़ बने हुए हैं। ये जमीन में ये दूर से पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये जो नर्मदा नदी है ये उत्तर की दिशा है और ये पूर्व दिशा का लगभग भाग है, ये दक्षिण का भाग है और ये पश्चिम का भाग है लगभग। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ये खेत के किनारे किनारे रास्ता है और ये नीचे इसमें यहाँ ये टीले पर है ये भूमि, तो ये नीचे का भाग दिख रहा है। नीचे श्री श्री ओंकारेश्वर आश्रम बना हुआ है, उसके पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं दूर से। अब हम इसमें किनारे किनारे चलेंगे। ये भी इसमें कपास लगा हुआ है, काफ़ी के बड़े पौधे हैं। ये किनारे से हम चल रहे हैं। और जो दूर पेड़ दिख रहे हैं उस ओर ओंकारेश्वर रोड है। ये श्री श्री ओंकारेश्वर आश्रम का भवन है। ध्यानकुंज आश्रम के लिए जो भूमि ली जा रही है उसमें अभी गेहूं लगा हुआ है। सामने जो पेड़ों की पंक्ति है इससे ओंकारेश्वर रोड लगा हुआ है। ये लगभग आधा किलोमीटर दूर जैसा रहेगा। इस पुल की विशेषता है कि इसमें नहर भी बनी हुई है और ऊपर सड़क है, सड़क के नीचे नहर है और नहर के नीचे फिर नदी, दूर से नदी का कुछ जल भी दिख रहा है।